नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एक नए अध्याय के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम कक्षा एक के विषय गणित के अध्याय 5 20 तक की संख्याएं, जिसके सीखने के प्रतिफल है m 103, 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते हैं। तो हम आज 1 से 20 तक की संख्याओं के ऊपर अपनी समझ बनाएंगे। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, चार चार के समूह में यहाँ पर बढ़ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी पे कंकड़ लाना है। तो बच्चों, आपके मुट्ठी पे कितने कंकड़ है उसको आप देख रहे हैं कि इस सारणी के आधार पे आप लिखेंगे। जैसे सारणी में आप देख रहे हैं कि गीता के पास कितने कंकड़ है, 12। गोमती के पास कितने कंकड़ है, 17। सोहन के पास कितने कंकड़ है, 15। तो इस प्रकार से आपको सारणी में लिखना है। तो इसके लिए आपके बगल में इसमें चित्र में दिख रहा है 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं, उनको आप अपने शिक्षक की मदद से या अपने बड़ों की मदद से इस सारणी में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लूडो गेम तो खेले ही होंगे, पासे, उसमें पासे आप चलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम 3 पासे लेंगे और 3 पासों को एक साथ आपको चलना है और उसके बाद हमको देखना है कि 3 पासों में कुल कितने अंक आए। फिर उसको क्या करना है, आपको गिनना है, फिर गिन के उसको फिर आपको लिखना है इस प्रकार से। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे गुंजन, गुंजन ने क्या किया, 3 पासों को एक साथ चला। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 पासों में जो है अलग अलग जो अंक आया है उसको हमको यहाँ पर गिनना है। जैसे आप देख रहे हैं कि लाल पासे में 2 आया है, उसी प्रकार हरे पासे में 4 अंक आया है, तो उसको हम गिनेंगे। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6। उसके बाद नीले वाले पासे में फिर 4 आया है, तो हम 6 के आगे फिर गिनेंगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार गुंजन ने जो पासे जो खेले थे 3 पासे, उसका हमारे पास अंक आया 10। तो आप उसको वहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पर उसी प्रकार का एक गृह कार्य है पासे वाला, जिसको कि आप अपने घर में बड़ों की मदद से करेंगे। आइए अब हम देखते हैं तीलियों की मदद से हम किस प्रकार गिनती इसमें सीखेंगे। आपके घर में तीलियाँ तो हैं, माचिस की तीलियाँ होती है, उसको आपको लेना है और उसको फिर बंडल बनाना है। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है माचिस की तीलियाँ, उसको क्या करना है, आपको 10-10 की बंडल बनाना है। आपको गिनना है 10, उसके बाद उसको क्या करना है, बंडल बनाना है। देखिए इस प्रकार से 10 को पहले गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कुल 10 तीलियां जब हो जाएगी तो उसको क्या करना है, आपको आपस में एक बंडल बना देना है। उसके बाद जो बच गई तीलियां उसको भी गिन लेना है। हमारे पास खुली तीलियां कितनी बच गई, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार हमारे पास 1 बंडल और 4 खुली तीलियां बच गई। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर समझ गए हैं गिनती करना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि 10 जो है यहाँ पर कुछ चित्र में दिख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, यह है भट्टा, भट्टे का चित्र है जिसको आपको गिनना है, 10 गिनना है और उस पर एक घेरा लगाना है इस प्रकार से। देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए, इसको हम गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 होने के बाद हम उस पर क्या किए, एक घेरा लगा दिए। बच्चों, यहाँ पर आपको घेरा लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आप इस घेरे को कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस तरफ से लिया है, आप इसके बाईं ओर से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 10 का समूह बना सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास यहाँ 2 चित्र है, इन दोनों चित्रों में भी आपको 10 का घेरा लगाना है। आप अपने घर में बड़ों की मदद से इसको कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं, हमको कुछ यहाँ पर बिंदियाँ दी गई है जिस पे आपको घेरा लगाना है। तो आपको याद है कि हमने 10 गिना था और घेरा लगाया था, उस प्रकार यहाँ पर भी आपको बिंदुओं पर गिनना है और घेरा लगाना है, और जितनी बिंदु बच जाएगी उसको आपको खुले के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 10 बिंदुओं पर घेरा लगाया, तो उसके लिए हमने 1 डिब्बा लिया और जो 4 बिंदु बच गई है उसके लिए हमने 4 खुले लिए। तो इस प्रकार हमारा 1 डिब्बा और 4 खुला हो गया।
इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिंदुओं दी गई है उस पर भी हमको घेरा लगाना है, और जो बच जाएगा उसके लिए हमको क्या करना है, एक खुला लेना है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र पर 10 बिंदुओं पर घेरा लगाए तो एक डिब्बा हो गया, और एक जो बिंदु बच गया उसके लिए हम एक खुला ले लिए। तो बच्चों इसी प्रकार आपके लिए घर के लिए गृह कार्य है, आप घर में अपने बड़ों की मदद से, अपने शिक्षक की मदद से इसको पूर्ण करेंगे। अब हम देखते हैं गिन कर लिखो कितने डिब्बे कितने खुले। तो अभी हमने डिब्बों के ऊपर अपनी समझ बनाई कि 10 का घेरा लगाने पर एक डिब्बा होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, आइसक्रीम कुल्फी जो है, तो इसमें हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कुल्फी पे हम क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक डिब्बे, और एक जो कुल्फी बच गया उसके लिए हम लेंगे एक खुला। तो इस प्रकार हमको एक डिब्बे और एक खुला प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों आपके लिए यहाँ पर कुछ गृह कार्य दिए गए हैं, जिसमें आपको घेरा लगाना है, और एक घेरा के लिए आपको एक डिब्बा लेना है, और जो खुले जो कुल्फी बच गए उसके लिए आपको खुला लेना है। तो ये आप अपने घर में बड़ों की मदद से करेंगे। अब हम देखते हैं गिन कर संख्या लिखो, हर संख्या के लिए नीचे जैसा वाक्य लिखो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक डिब्बा और दो खुला जो हमको प्राप्त हुआ, तो हम एक डिब्बा के लिए हम एक लेंगे और दो खुला के लिए हम दो लिए। तो आप नीचे में देख सकते हैं कि एक डिब्बा और एक खुला यानी एक दहाई और एक इकाई होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक डिब्बा जो हमको प्राप्त हुआ है वो क्या है, वास्तव में एक दहाई है, और दो खुला जो मिला हमको वो वास्तव में क्या है, दो इकाई है। तो इस प्रकार हमको कुल प्राप्त हुआ वो है 12। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हम जो है डिब्बे देखते हैं और कितने खुले हैं उसके लिए हम खुला लिखते हैं। एक डिब्बा के लिए हमने क्या लिया हुआ है, एक डिब्बा लिखे हैं, और जो खुली तिलियाँ हैं उसके लिए हमने क्या लिखा है, 7 खुला। तो आप देख रहे हैं एक डिब्बा और 7 खुला। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक डिब्बा यानी कि क्या हुआ, एक दहाई हुआ, और 7 खुला यानी कि 7 इकाई हुआ। तो इस प्रकार हमको 17 प्राप्त हुए। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ गृह कार्य हैं, जिसमें आपको डिब्बे को और खुले को गिनकर लिखना है। जैसे एक डिब्बा है तो उसके लिए एक डिब्बा, और जितने खुले उसको उतने खुले को आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद अंतिम कॉलम में क्या करना है आपको, जैसे एक डिब्बा के लिए आपको एक दहाई लेना है, और जैसे 3 खुला के लिए आपको 3 इकाई लेना है। इस प्रकार आपको संख्या जो है प्राप्त होगा। तो इसको आप अपने घर में बड़ों की मदद से करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, क्रम से आपको मिलाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्रम कहाँ से चालू हुआ है, इसमें 11 से चालू हुआ है। तो आपको इस प्रकार क्रम को मिलाते चलना है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, इस प्रकार से आपको कुल 20 तक को मिलाना है। तो यहाँ पर जब आप पूरे अंक को मिलाएंगे आपस में, तो आपको देखना है कि किस प्रकार यहाँ पर आकृति आपको प्राप्त होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप यदि सही नंबर को नहीं मिलाएंगे तो आपको सही आकृति प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रम से आप नंबर को आपस में मिलाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम एक कम करके लिखो। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक डिब्बा और 6 खुली तिलियाँ हैं, उसके लिए यहाँ पर लिखा है 16। तो इसमें यदि हम एक खुली तिलियाँ कम कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखते हैं, एक डिब्बा और 5 खुली तिलियाँ। तो इस प्रकार हमको अंक प्राप्त हुआ वो है 15। तो हम पहले कितना था, 16, अब हो गया 15, तो एक कम हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमको एक डिब्बा और 3 खुली तिलियाँ हैं, तो कितना हुआ, 13। अब उसको हमको एक कम करना है, तो एक कम कैसे करेंगे, हम एक खुली तिली को कम कर देंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा, एक डिब्बा और 2 खुली तिलियाँ। तो हमारे पास अंक कितने हो गए, वो 12। तो पहले कितने थे, 13, अब हो गए 12। आइए इस प्रकार से आपको हम गृह कार्य हम देखते हैं, इसको आप अपने घर में बड़ों की मदद से इस गृह कार्य को करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक बढ़ा कर लिखो। अभी हमने क्या देखा, इसके पहले एक कम करके लिखो, अब हम उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक डिब्बा और 2 खुली तिलियाँ हैं, तो उसके लिए हम लिए यहाँ पर 12,
अब उसमें यदि हम एक बढ़ाएंगे तो कैसे एक बढ़ाएंगे, एक तिली को बढ़ाएंगे, तो इसके इस प्रकार हमको प्राप्त हो रहा है एक डिब्बा और तीन खुली तिलियाँ, तो कुल कितने हो गए 13। पहले हमारे पास था 12, एक तिली बढ़ा दिए तो हमारे पास हो गया 13। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डिब्बा है और पांच खुली तिलियाँ, तो ये हो गया 15। अब हम इसमें एक तिली जब बढ़ाएंगे तो हमको कुल जो है कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 16। यानी कि पहले हमारे पास 15 था, एक तिली जब बढ़ाएं तो हमारे पास कुल हो गया 16, मतलब एक डिब्बा और छह खुली तिलियाँ। आइए अब हम देखते हैं गृह कार्य। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो तिलियाँ दी हुई है उसको बीच वाले जो कॉलम है उसमें आपको तिलियों को बढ़ा के लिखना है, और अंतिम कॉलम में कितनी तिलियाँ उसको यहाँ पर लिखना है। आइए आगे देखते हैं हम, बीज की संख्या लिखो। तो बीज की संख्या हम देख रहे हैं हमारे पास है अंक जो है 6 और 8, तो बीज की संख्या हमारी क्या होगी, 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7, और 8 के पहले भी आती है 7, तो इस प्रकार हमको बीज की संख्या प्राप्त हुई 7। इसी क्रम में आपको यहाँ पर आपके पुस्तक में कुछ गृह कार्य दिए हैं जिसको आपको घर में अपने बड़ों की मदद से करना है, जिसमें आपको क्या करना है, बीज की संख्या मालूम करनी है और उसको यहाँ पर लिखना है। अब हम देखते हैं पहले एवं बाद की संख्या। पहले मतलब कोई भी संख्या दी, जैसे यहाँ पर दिया है 11, तो आपको 11 के पहले की संख्या लिखनी है और 11 के बाद की भी संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 11 के पहले हमको कौन सा अंक मिलता है, वो है 10, और 11 के बाद हमको प्राप्त होता है 12। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 11 के पहले 10 आया और 11 के बाद वाली जो संख्या है वो है 12। आपके लिए घर के लिए गृह कार्य है, आप घर में अपने बड़ों की मदद से, अपने शिक्षक की मदद से इसको पूर्ण करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम अब देखेंगे छोटे से बड़े क्रम में लिखो। तो आपको यहाँ दिख रहे अंक जो है 10, 13 और 11, तो हमको छोटे क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले हमको छोटा अंक लेना पड़ेगा। तो छोटे अंक को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों अंक जो है 10, 13 और 11 में हम दहाई अंक को देखेंगे। तो 10 में दहाई अंक है हमारा 1, 13 में दहाई अंक है उसमें भी 1, और 11 में भी दहाई अंक 1 है। तो ये तीनों क्या हो गया, समान हो गया। तो हमको अभी पता नहीं चला कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, हम इकाई अंक को देखेंगे। तो 10 में जो है इकाई अंक है वो 0 है, 13 में इकाई अंक जो है 3 है, और 11 में इकाई अंक 1 है। तो आप बता सकते हैं कि कौन छोटा हुआ, जी बिल्कुल सही कहा आपने, 10। तो सबसे छोटा अंक हो गया 10, उसके बाद हमारा अंक हो गया 11, क्योंकि इकाई में एक बढ़ गया। उसके बाद अंतिम में सबसे बड़ा जो संख्या वो है हमारा 13, क्योंकि इकाई में 3 है। तो इस प्रकार हमारा अंक जम गया 10, 11 और 13। तो इसी प्रकार आपको आपके पाठ्यपुस्तक पे कुछ गृह कार्य दिए हैं जिसको कि आपको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। आइए देखते हैं अब, बड़े से छोटे क्रम में लिखो। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसमें बड़े से छोटे जमाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे छोटा अंक लेना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े से छोटे क्रम में जमाते हैं। तो हमको यहाँ पर अंक दिया गया है 4, 8 और 6। तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा सबसे बड़ा अंक है 8। उसके बाद उससे छोटा अंक कौन सा है, जी बिल्कुल सही 6, और सबसे छोटा अंक है 4। तो इस प्रकार हमारा बड़े से छोटे क्रम में जब हम जमाएं तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 8, 6 और 4। तो बच्चों इसी प्रकार आपके पाठ्यपुस्तक में और कुछ सवाल इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में जमाने के लिए दिया गया है, जिसको कि आप अपने घर में बड़ों की मदद से करेंगे आप। तो बच्चों आज हमने जितने भी गृह कार्य के बारे में बात किया वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसमें पेज क्रमांक आपको जो दिया गया है उसके आधार पर आप उस गृह कार्य को अपने बड़ों की मदद से करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन, वो सपनों की दुनिया में उड़ रही है, और वो भी गुब्बारे लेकर, और गुब्बारे कैसे, वो भी रंग बिरंगे गुब्बारे। तो बच्चों यहाँ पर आपको गुंजन के जो गुब्बारे हैं उसको गिनना है, और जितने रंग के गुब्बारे हैं उसको उसका रंग आपको भरना भी है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि अंक जो है क्रम से भरेंगे, 1 से लेके
20 तक की, और जो जिस कलर का गुब्बारा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए उसको कलर भी करना है, रंग भी भरना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने एक से 20 तक की संख्याओं के बारे में अपनी समझ बनाई। यदि आपको कहीं पर कुछ कठिनाई महसूस होता है तो आप इस वीडियो को पुनः एक बार देखकर अपनी समझ बनाएंगे और अपने घर में बड़ों की मदद से, अपने शिक्षकों की मदद से इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम एक और नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।